లేటెస్ట్ టెక్నాలజీతో చిన్న ఇంజెక్షన్ తో నన్ను పూర్తి ఆరోగ్యవంతురాలను చేశారు. ఎలైట్ స్పైన్ అండ్ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ సెంటర్ మణికొండ దిల్షుక్ నగర్. నిన్న ఎలక్షన్స్ జరిగే సమయంలో మాధవిలత కొంతమంది హిజాబ్ తీసి వారి ముఖాలను చూసి వాళ్ళ ఐడెంటిటీని చెక్ చేసిన తర్వాతనే లోపలికి పంపించారు. ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఎంతవరకు రాంగ్ అనేది మనం మరికొంతమందిని అడిగి తెలుసుకుందాం. హలో, బిస్మిల్లాహిర్ రహ్మాన్ రహీమ్, అస్సలాము అలైకుమ్, జై హింద్. తో ఆప్ ఓట్ డాలే? జీ హాన్, అల్హమ్దులిల్లాహ్ డాల్ దియా మైనె ఓట్. తో కల్ మాధవి లతా నే కుచ్ లోగోం కి హిజాబ్ నికాల్ కే ఉన్కి చెహరా దేఖ్ కే అందర్ భిజాయి తీ. తో వో కిత్నీ తక్ సహీ యా గలత్ హై? ఏక్ మహీనే మే అగర్ దేఖా గయా తో ఉన్హోనే బహుత్ గలత్ కియా, క్యూంకి కిసీ కే మజ్హబ్ కో ఐసా నహీ కర్నా చాహియే. వో హిజాబ్ ఉఠా కర్ క్యా వజహ సే దేఖే, ఉన్కో కౌన్ బోలే ఉఠా కర్ దేఖో బోల్ కే. वो तो मुसलमानों के लिए अच्छा गुमान रख रहे थे, अच्छा बोल रहे थे इलेक्शन से पहले, फिर एकदम ऐसा मुसलमान के लिए क्यों ऐसा करे उन्होंने? तो उसने बोली थी कि कुछ वोट्स की गड़बड़ हो सकती है, इसलिए ऐसा करी थी. नहीं नहीं, यहाँ हैदराबाद में तो ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं होगा. अगर आप हैदराबाद से हटके बोले तो कर सकते थे जांच, पर हैदराबाद में रहते पर ऐसा गलत है ना ये तो मैडम आप तरीका. तो ज़्यादा तक लोग बोलते हैं कि ओल्ड सिटी या यहाँ पे न्यू सिटी पे वोट्स गड़बड़ हो सकती है. नहीं नहीं, यहाँ पर नहीं होता, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होता आपको, यहाँ पर नहीं होता, मगर ऐसा करना गलत था. हमारे तो तकलीफ हुई कि मुसलमान बहनों के साथ ऐसा करे वो लोग बोल के. और निजामबाद में भी वो कुछ बीजेपी का लीडर जो है ना, वहाँ पर भी बोला मुस्लिम को थोड़ा बात वगैरह करेगा तो वो लोग भी नहीं मालूम, मगर हमारे घरों का तो अलहमदिल्ला अच्छे से अच्छा ही गया, वोट कोई ऐसी तकलीफ की बात नहीं थी. इधे विषय पर मनम मरोकनी कूडा अड़ी तेलुसुकुंदा. हेलो अंकल जी. बोलिए अंकल, कल वोट्स करते वक्त माधवी लता ने कुछ लोगों की हिजाब निकाल के उनकी चेहरा देख के उनके अंदर भिजवाई थी, ये कितना सच है या गलत है? ये तो बात सच है, एक वीडियो वायरल हुआ है उनका है, मगर ये रूल्स के ख़िलाफ़ है, इलेक्शन रूल्स के ख़िलाफ़ है कि कोई भी MP या MLA जो है इस तरीके से काम करे, ये गलत है मैम. तो उसने बोल रही थी कि कुछ लोग ने वोट्स की गड़बड़ कर सकती है, इसलिए देखा बोल के बोली थी. तो ये जो बैठे हैं कैंडिडेट वहाँ पर, उन लोग का काम रहता, पुलिस का काम रहता वो चेक करना, इलेक्शन ड्यूटी जिसकी रहती है उन लोग का काम रहता करना, ये मैडम का तो काम नहीं था ना. तो ये ओल्ड सिटी में ज़्यादा तक वोट्स की गड़बड़ हो सकती है बोल के बोल रहे थे, वो कितना सच है? नहीं, ये तो सरासर गलत है मैम. 40% पोलिंग हुई है, आप देख रहे हैं ना, अगर वैसा कुछ वोट की गड़बड़ हो सकती तो 90+ चले आता था अगर ऐसा कुछ रहता, तो वैसा कुछ नहीं. तो कल वोट्स डालते वक्त माधवी लता ने कुछ लोगों की हिजाब निकाल के उनकी चेहरा देख के अंदर भिजवाई थी, तो वो कितना सही या गलत है? मैडम एक्चुअली क्या है बोले तो हमारे पास हिजाब हटाने का हुक्म नहीं है किसी का, समझे, और उन्होंने तो जो है बगैर पूछे किसी का हिजाब हटाना हमारे पास है ही नहीं इस्लाम में, बस होता ही है और कुछ. तो उसने बोल रही थी कि यहाँ पे ओल्ड सिटी में वोट्स की गड़बड़ हो सकती है इसलिए देखा जाए, वो कितना सही? गड़बड़ किस हिसाब से होगी मैडम बोलिए आप? गड़बड़ का तो है ही नहीं इधर ओल्ड सिटी में कुछ भी ऐसा, आप आइडेंटिफाई करके जो है वोट डाल रहे हैं, बस उतना ही है और कुछ. सो मैडम, कल ने माधवी लता ने कुछ लोगों की हिजाब निकाल के उनकी चेहरा देख के अंदर भिजवाई थी, आपकी तरफ से वो कितना सही है कितना गलत है? मेरे तरफ से तो गलत ही छोटा ना, हिजाब निकालना गलत बात है और लोगों ने निकाल के दिखाए, इसलिए मेरे तरफ से तो गलत है. तो उसने बोल रही थी कि कुछ वोट्स की गड़बड़ हो सकती है इसलिए देखा जाए, वो कितना सही है? गड़बड़ तो हो ही नहीं सकती ना, वो सब पूरे गलत ही है. गड़बड़ किस बात की होती है? अगर हिजाब निकाल के बताते तो गड़बड़ नहीं होती मेरी तरफ से. तो कल वोट्स डालते वक्त माधवी लता ने कुछ लोगों की हिजाब निकाल के उनकी चेहरा और आइडेंटिटी देख के अंदर भिजवाई थी वोट डालने के लिए, वो कितना सही है गलत है? पूरा वो उन्होंने हिजाब जो निकाले वो गलत है, वो निकालना नहीं है. वो पहली बात तो उनको पहले मालूम करना था कि वो वोट ये सही है नहीं है, पहले वो मालूम करना था. उन्होंने डायरेक्ट हिजाब उठाना देखना वो गलत है, वो नहीं देखना चाहिए उनको. तो कुछ लोग बोल रहे थे कि ओल्ड सिटी में वोट्स की गड़बड़ हो सकती है इसलिए देखा जा रहा है बोल के बोल रहे थे. कुछ गड़बड़ होने का नहीं था चांसेस, पुलिस बहुत थी, पुलिस ने सपोर्ट बहुत करा हमारे को और अच्छा हुआ वोटिंग सबकी अच्छी हुई अलहमदिल्ला. सो इदे विषय मनम मरकुंत मंदिनि कूडा अडिगि तेलुसुकुंदाम. नमस्ते अंकल. बोलिए. आप वोट डाले कल? हां डाले ना सर. तो कल वोट्स डालते वक्त माधवी लता ने कुछ लोगों की हिजाब निकाल के उनकी चेहरा देख के अंदर भिजवाई थी वोट्स डालने के लिए, वो जो किए काम कितना सही है या गलत है? गलत है सब, नहीं करना चाहिए ऐसा. क्यों गलत है? इसलिए कि मुस्लिम औरतें अपना हिजाब नहीं निकालती, इसलिए गलत है वो.
तो कुछ लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे ओल्ड सिटी में वोट्स की गड़बड़ हो सकती है, इसलिए वोट्स देख के वोटर्स की आईडी देख के अंदर भिजवाया जाए। नहीं नहीं, अब जो हम लोग भी वोट डाले हैं, हमारे पास तो एरिया में ऐसा है, सख्त था एकदम, कोई भी जो है बोगस नहीं चली, क्योंकि बगैर आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड के बगैर जो है कुछ भी वोट नहीं डालेगा। ఇప్పటి వరకు మనం చార్మినార్ లోని ప్రజల్ని అడిగి తెలుసుకున్నాం. ఏదైనప్పటికీ హిజాబ్ అనేది వాళ్ళకు ఒక పవిత్రమైన వస్తువు, అది తీసి చూడడం, వారిని అలా చేసి లోపలికి పంపించడం అనేది వాళ్ళకి చాలా అవమానకరమైనదని చెప్పి చాలా వరకు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అలా చేయడం కూడా తప్పు అని చెప్పేసి బాధపడుతున్నారు. కెమెరామెన్ సూర్యతో శ్రావణి, హైదరాబాద్, ఆర్టీవీ. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో చేయండి, అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.